सो गाइज, माय नेम इज़ आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। आज न्यू जापान प्रो रेसलिंग के रेसल किंगडम 18 पेपर व्यू में हमें किसी और सुपरस्टार का नहीं बल्कि डॉब ज़िगलर का फाइनली ऑफिशियली अटेंडेंस देखने को मिल चुका है, तो इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। चलिए सेलिब्रेट वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइज, जब मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी हमें कुछ ऐसा सीन देखने को मिला है जिसके लिए हम काफ़ी लंबे समय से हम लोग वेट कर रहे थे। सितंबर के मंथ में WWE अपने कंपनी से डॉब ज़िगलर को रिलीज़ कर देती है 2023 के दिसंबर में, यानी कि 2023 के सितंबर को WWE की कंपनी से बाहर चले जाते हैं। और गाइज, 2023 के दिसंबर के मंथ में ही WWE के साथ जो उनका 90 डे का जो नॉन कम्प्लीट क्लॉज है वो ख़त्म हो जाता है। और राइट नाउ वो एक फ्री एजेंट सुपरस्टार थे कल तक, लेकिन गाइज आज हमें न्यू जापान प्रो रेसलिंग का राइट नाउ अभी हमें रेसल किंगडम पेपर व्यू लाइव देखने को मिल रहा है। और गाइज वहां पे हमें कोई और सुपरस्टार नहीं बल्कि डॉब ज़िगलर देखने को मिले हैं। हाँ गाइज, डॉब ज़िगलर का ऑफिशियली आज के रेसल किंगडम के पेपर व्यू में हमें अटेंडेंस देखने को मिल चुका है। दोनों भाई यानी कि जो रियान नेमथ एंड निक नेमथ, जिनको हम लोग डॉब ज़िगलर के नाम पे जानते थे WWE में, तो निक नेमथ एंड रियान नेमथ का हमें अपीयरेंस देखने को मिल चुका है आज के रेसल किंगडम के पेपर व्यू में। तो गाइज आपको इसके बारे में आपको क्या कहना है आप मुझे जाकर बता सकते हो। और गाइज ये वाला चीज़ देख के काफ़ी लोग चौंक जाते हैं, और भैया इसके बारे में आपको क्या कहना है आप मुझे जाकर बता सकते हो। वैसे रूमर्स ये आ रहे थे कि आज के डायनामाइट के एपिसोड में उनका डेब्यू होने वाला है, लेकिन भैया डायनामाइट के एपिसोड में डेब्यू नहीं हुआ है। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि जो NJPW के रेसल किंगडम 18 जो शो है, या मतलब जो PPV है, वहाँ पे उनका डेब्यू नहीं हुआ है, बस एक अपीयरेंस हुआ है। तो अभी के लिए गाइज कुछ यही चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। तो गाइज आपको इसके बारे में क्या कहना है आप मुझे जाकर बता सकते हो। लेकिन हाँ भैया, आज के NJPW के रेसल किंगडम 18 पेपर व्यू में डॉब ज़िगलर आ चुके हैं NJPW में, तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी।